हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट कराई गई और आप सभी लोगों को पता है 10 दिसंबर 2019 को ये एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित किया गया और अलग अलग शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ। टोटल यहाँ पे 3 शिफ्ट थी और 10 दिसंबर को ही ये यहाँ पे परीक्षा को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और आप सभी लोगों को 3 दिन बाद मीन्स 13 तारीख को ही यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड करा दी गई थी और 13 से 15 दिसंबर तक ये अवेलेबल रही आपकी वेबसाइट पे और आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की यहाँ पे डाउनलोड कर ली 15 दिसंबर तक। और जैसा कि कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट यहाँ पे बता रहे हैं, जो आंसर्स की यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, काफ़ी यहाँ पे सवालों के जो जवाब थे यहाँ पे सही प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो ऐसे में कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन कॉलिंग का जो ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया था वेबसाइट पे, तो उन लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन को रेज किया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के मार्क्स यहाँ पे जरूर बढ़ेंगे। तो इस वाला जो ये वीडियो रहने वाला है, इसमें काफ़ी डाउट्स वगैरह जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती से जो कैंडिडेट्स हमसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है, वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कुछ दिनों में, और एक्सपेक्टेड टाइम भी बताऊंगा ये जानकारी वेबसाइट पे कितने दिनों में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पूरा अपडेट आपको इस अपडेट वीडियो में मिल जाएगा। लाइक कमेंट जरूर करेगा और कोई भी डाउट वगैरह है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए, यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रोवाइड करा गया है, आपको जाके एक बार उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर इसी तरीके से आती रहेगी और कोई भी अपडेट आपसे यहाँ पे छूटेगा नहीं CHO भर्ती से रिलेटेड। तो बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला डाउट कैंडिडेट्स का यही है कि यहाँ पे मार्क्स किन किन कैंडिडेट्स के यहाँ पे बढ़ेंगे, मीन्स यहाँ पे 3 शिफ्टों में यहाँ पे जो पेपर कंडक्ट कराया गया 3 अलग अलग पालियों में, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे या फिर वही कैंडिडेट्स को मार्क्स इंक्रीज होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्शन को यहाँ पे रेस किया है। तो यहाँ पे मैं आपको सब बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 2nd शिफ्ट के जो आंसर्स की आपको प्रोवाइड कराई गई, इसमें काफ़ी यहाँ पे त्रुटियाँ थी और यहाँ पे जो आंसर्स प्रोवाइड कराए गए वो सही प्रोवाइड आपको नहीं कराए, और ऑब्जेक्शन कॉलिंग भी यहाँ पे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड वहाँ पे करा दिए हैं अपने अपने। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस किसी भी शिफ्ट में कैंडिडेट ने यहाँ पे अपने अपने आंसर कॉलिंग को यहाँ पे मीन ऑब्जेक्शन कॉलिंग को इस्तेमाल किया है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के वहाँ पे मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे मान के चलता हूँ 2nd शिफ्ट का काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रोवाइड कराए गए थे, आंसर्स वगैरह जो थे यहाँ पे गलत प्रोवाइड कराए गए थे, तो सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे। 1st शिफ्ट और 3rd शिफ्ट के कैंडिडेट को यहाँ पे इनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। और जैसे कि मान के चलता हूँ 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी गलत यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए, तो अगर इन लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन को रेज किया है तो सिर्फ 3rd शिफ्ट के ही कैंडिडेट को इसको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे, तो 1st शिफ्ट और 2nd शिफ्ट को फिर देखने को यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। वही बात कर लेता हूँ, अगर 1st शिफ्ट के कैंडिडेट थे, अगर इसमें क्वेश्चन वगैरह गलत थे और ऑब्जेक्शन कॉलिंग का आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ आपकी शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पे 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट के कैंडिडेट को यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने बता दी, कहने का मतलब ये है जो भी आप लोगों की शिफ्ट थी, तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन कॉलिंग का ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल किया है तो सिर्फ आपकी ही शिफ्ट के लोग वहाँ पे इंक्रीज होंगे मार्क्स और आपको वहाँ पे मार्क्स वहाँ पे जरूर आपके बढ़ेंगे। तो ये सारा डाउट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, सबसे पहला ये आपको मैंने आपको बता दिया। 2nd नंबर पे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ अगला जो अपडेट जो आने वाला है CHO भर्ती का, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा अगला अपडेट। देखिए, आपके मार्क्स यहाँ पे शो करे जाएंगे, ऑनलाइन स्कोर जो रहता है आप लोगों का एग्जाम में, जो भी आपने परफॉर्म किया है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, आप लोगों की यहाँ पे मार्कशीट दिखाई जाएगी और यहाँ पे मार्क्स जो है वेबसाइट पे आपके शो कर दिए जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाली भर्तियों में भी ऐसे ही स्टेप फॉलो किए गए हैं, तो CHO भर्ती में भी आपको ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा, मार्क्स आपके यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो मार्क्स यहाँ पे शो करे जाएंगे कितने दिनों में, मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे क्या रहने वाला है, कितने दिनों में ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अपने हिसाब से जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताऊंगा, 10 से 15 दिन यहाँ पे देखने को लग सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इससे पहले काफ़ी यहाँ पे भर्तियाँ हो चुकी हैं ANM और स्टाफ नर्स की, तो उनका वहाँ पे अपडेट पहले आएगा, उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, और यहाँ पे STLS की भर्ती यहाँ पे कंडक्ट कराई गई, तो यहाँ पे उनका फिर उसके बाद वहाँ पे आएगा, फिर आप लोगों का आएगा यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला, जो कि मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड 10 से 15 दिन यहाँ पे लग सकते हैं आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे शो करने के लिए वेबसाइट पे जो है, और अपडेट आपको दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अपने अपने मार्क्स यहाँ पे चेक करने के लिए। और मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, सब्सक्राइब करके जरूर रखना चैनल को, तो आपको वहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा जैसे ही वो अपडेट आपको आएगा।
और दोस्तों ये 10 से 15 दिन इस वजह से भी यहाँ पे लग सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं आंसर्स यहाँ पे सही प्रोवाइड नहीं कराए, तो वहाँ पे ये सब चेक किया जाएगा, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। तो मिनिमम यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपको अपडेट देखने को मिलेगा। कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, कहीं भी आपको नहीं जाना है, जैसे ही जानकारी आएगी वेबसाइट पर हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा देंगे। और जैसा कि ये अपडेट मैंने आपको बताया, ज़्यादा समय मैंने आपको नहीं लिया है, पूरा अपडेट मैंने जानकारी दे दी है। और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट वगैरह है लोग आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आप लोगों ने अगर अपनी अपनी आंसर की यहाँ पे चेक की है, और यहाँ पे जरूर बताएं एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स है और कैटेगरी आपकी क्या है, तो हम आपको बताएंगे आपके यहाँ पे क्या चांसेस रहने वाले हैं अगले फेस में। और नीचे देखिए वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन आपको प्रोवाइड कराया गया है, आपको जाके उस बार क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे इन्फॉर्मेशन जो भी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती से जुड़ी हुई है आगे भी इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हुई है इस वीडियो से, तो आप लोग थैंक यू का मैसेज जरूर टाइप करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।